हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेकंड सैंपल पेपर ऑफ टेंथ क्लास, जो कि आपकी 23 का जो बोर्ड है इसके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ। ये सैंपल पेपर आप रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके अपने जो मार्क्स की सीरीज है उसको और ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो आज के सेशन को आप लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपके जो जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। जैसे कि आपको पता ही है 23 के जो बोर्ड्स हैं, 2023 के जो बोर्ड्स हैं उसमें आपके 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम उन्हीं एमसीक्यूज को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर अबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ बाय द ब्रिटिश इन द लेट 18th सेंचुरी। ऑप्शन ए, देयर वाज राइज इन फूड प्राइसेस। बी, देयर वाज सरप्लस ऑफ कॉर्न इन ब्रिटेन। सी, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ कॉर्न। देयर वाज सरप्लस ऑफ कॉर्न इन देयर कंट्रीज। तो राइट आंसर ए है, देयर वाज राइज इन फूड प्राइसेस। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द वुमेन राइटर फ्रॉम बंगाल हु रोट अबाउट द डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ वेमेन। नाम बताना है आपको उस औरत का, उन महिला का। ए, कैलाश भसिनी देवी। बी, ताराबाई शिंदे। सी, पंडिता रामाबाई। डी, अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर है कैलाश भसिनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपको एक इमेज डिस्प्ले की गई है, ठीक है। इमेज को ध्यान से देखें, पिक्चर को ध्यान से देखें और इसी से रिलेटेड क्या आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपको, आइडेंटिफाई द मैन इन द पिक्चर। तो जो मैन इस पिक्चर में दिखाया गया उसका नाम आपको बताना है। तो लुइस सबस्टीन मर्सियर। बी, जॉन गुटेनबर्ग। सी, मेनोचियो। बी, डी है मार्टिन लूथर। तो राइट आंसर इज बी, जॉन गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको करना है, फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन, सेकेंड ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, थर्ड आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग पावर्स इन बर्लिन, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। राइट आंसर है, पहले फोर्थ आएगा आपका, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड लास्ट में आपका सेकेंड, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से क्या आप क्वेश्चन को अरेंज करेंगे, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग पावर्स इन बर्लिन, इसके बाद आएगा आपका आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन और सेकेंड आपका हो जाता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। इसके जो फीचर है वो देखिए, कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इज वेरी फर्टाइल, मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, पैडी एंड व्हीट। तो आंसर क्या आपका, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। ए, व्हीट। बी, पैडी। सी, बार्ले। डी, पीस। तो राइट आंसर इज पैडी। क्वेश्चन नंबर सेवन, चूज दी करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर करना है, इनको मैच नहीं करना है। बच्चे इनको रीड करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन इन चारों में से आपको करेक्ट वाला चूज करना है, ठीक है। ए देखिए बरूनी, फर्स्ट आपका सिलीगुड़ी के साथ क्या मैच किया गया है। बी, विजयपुर, जिसको मध्य प्रदेश के साथ मैच किया गया है। सी, कोयली, जिसको हल्दिया के साथ मैच किया गया है। और डी आपका गुवाहाटी, जिसको गुजरात के साथ क्या मैच किया गया। तो राइट आंसर आपका बी, ठीक है, विजयपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड एज डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ए, वर्टिकल। बी, हॉरिजॉन्टल। सी, पॉलिटिकल। डी, पार्लियामेंट्री। तो राइट आंसर आपका हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर नाइन, हु ग्रांट्स अथॉरिटी टू बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ए, सेंटर। बी, पार्लियामेंट। सी, कॉन्स्टिट्यूशन। डी, प्रेसिडेंट। राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही किसी को भी असाइन की जाती है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड जॉब्स। ए, पेट्रियार्की सोसाइटी। बी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सी, लो लिटरेसी रेट्स अमंग वुमेन। डी, एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। राइट आंसर इज बी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज करेक्टली पेयर्ड। कॉलम ए देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी के मैच साथ साथ रीड कर रही हूं। ए, एफिडेविट। फर्स्ट, डेमोक्रेसी। बी, डिफेक्शन, पार्टी मेंबर। सी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मीडिया। डी, विजिलेंस,
और मैच किया गया है कैंडिडेट्स के साथ. राइट आंसर आपका डिफेक्शन पार्टी मेंबर्स के साथ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका असर्शन और रीजन वाला. तो असर्शन देखिए, डेमोक्रेसी इंश्योर्स पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वालिटी. रीजन, डेमोक्रेसी इज द रूल बाय मेजोरिटी. ठीक है, तो आपके फोर ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. आंसर है बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं. विच वॉज नॉट द प्रोविजन इन बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन नहीं था इन चार ऑप्शन में से. ए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. बी ऑप्शन, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. सी, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. डी, द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज नो पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. कौन सा प्रोविजन नहीं था, ध्यान से पढ़ना है. तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी, द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज नो पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. क्वेश्चन नंबर 14, नोट आपको बच्चे ध्यान रखना है कि कहां पर नोट है और कहां पर नहीं है. कहीं आप जल्दी में स्पीड में नोट को भूल जाए और कोई भी पेयर उसमें से उठा के आपके आंसर कर दे. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर द फार्मर डिपेंडिंग ऑन रेन फॉर कल्टिवेशन ऑफ हिज फील्ड्स. ए, HYV शीट्स. बी, इरिगेशन फैसिलिटीज. सी, बेटर लाइफस्टाइल. डी, मोर लैंड फॉर कल्टिवेशन. ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, इरिगेशन फैसिलिटीज. Why national income was considered as the most important criterion for assessing the development of a country? A, it was the most convenient way of assessing the development of the country. B, the countries with small population could also be included. C, gender income will enable people to fulfill all their needs. D, all of above. Right answer is C, greater income will enable people to fulfill all their needs. क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. ए आपका, चूज करना है आपको बेटे, ये जो क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हो रखा है, चूज करना है इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट वन. लार्ज वर्कर्स एंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बी, मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंटरप्राइजेस वर्क इन द मैनर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सी, द ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट वॉन्ट टू गिव हाई वेजेस टू द वर्कर. D, employment opportunities in the organized sector have been expanding slowly. तो आपका राइट आंसर है A, large workers enter unorganized sector. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी वैकेंसीज नहीं होती, इसलिए ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी कहां पर काम के लिए जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. क्वेश्चन नंबर 17, पीपल वर्किंग इन the इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड. देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूजिंग टू टेक वेजिटेबल्स मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज. व्हाट डज दिस एग्जांपल शो. ए, टर्शियरी सेक्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर. बी, डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑन टर्शियरी सेक्टर. सी, डिपेंडेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन टर्शियरी सेक्टर. डी आपका, डिपेंडेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर ऑन प्राइमरी सेक्टर. तो राइट आंसर आपका बी, डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑन टर्शियरी सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्याम हैज टू मेक प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर्स कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड. ही वांट्स टू परचेज अ ट्रैक्टर फॉर विच ही हैज टू टेक अ लोन. ही डज नॉट हैव अ कोलेटरल. फ्रॉम विच सोर्स ऑफ क्रेडिट विल बी बोरो द मनी. ये सारी कंडीशन के बाद कहां से वो क्रेडिट बोरो कर सकते हैं. ए, बैंक. बी, कोऑपरेटिव. सी, मनी लेंडर्स. डी, रिलेटिव्स. तो राइट आंसर है आपका मनी लेंडर्स. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंडिया बींग अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर MNCs. ए, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड यूथ. बी, English speaking educated youth and high proportion of rich consumers. C, highly skilled engineers and flexible government policies. D, highly skilled engineers and easy availability of land as a factor of production. Right answer is A, highly skilled engineers and English speaking educated youth. Question number 20, a large MNC producing batteries designs its product in research centers in Germany. Its components are manufactured in Korea. They are then shipped to Peru and Cambodia, where they assembled and the finished products are sold throughout the world. The customers' care service are carried in India through
call centers. Analyze the information given above, considering one of the following correct option. A. Collaboration. B. Foreign trade. C. Globalization. D. Networking. तो राइट आंसर आपका ग्लोबलाइजेशन. क्यों? ग्लोबलाइजेशन में आपकी कनेक्टिविटी बाहर के वर्ल्ड के साथ क्या है, बढ़ती है. सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स की क्वेश्चन है इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. डिस्क्राइब 2 इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया. फर्स्ट, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1928 टू 1934. सेकेंड, वीट प्राइसेस टू फेल बाय 50%. ये दो रीज आपके इफेक्ट पड़े थे. क्वेश्चन नंबर 22, हाउ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हैज मेड एन इम्पैक्ट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स. फर्स्ट आंसर आपका, इट इंप्लाइड मिनिमल रोल इन पॉलिटिक्स फॉर वुमेन. सेकेंड, देयर हैज बीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट्स बाय वुमेन फॉर इक्वल राइट्स व्हिच हैज कल्मिनेटेड इन द राइज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. 23 क्वेश्चन देखिए बच्चे. What do we understand by rat hole mining? Rat hole mining क्या है? First, in the tribal areas of the northeast India, minerals are owned by individuals or communities. Second, the coal mining in Juwai and Cherrapunji is done by family members in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining. और भी क्वेश्चन आएगा आपका. व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर. फर्स्ट, मैग्नेटाइट हैज 70% आयरन एंड इज वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. सेकंड, हेमेटाइट हैज अ लोअर कंटेंट ऑफ आयरन एंड इज यूज्ड इन ग्रेट क्वांटिटी इन इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे, व्हाई शुड इंटरमीडिएट गुड्स नॉट बी इंक्लूडेड टू नो द टोटल प्रोडक्शन इन अ सेक्टर. फर्स्ट, The value of intermediate goods that are used in making final goods is already included. Second, in order to avoid duplication, intermediate goods are not included in the calculation of final goods. Question number C आपका, part number C मतलब आपका 3 3 marks की questions है बच्चे ये. Question number 25. What are the reactions of the local population to the French rule in the conquered territories? 3 points आपको एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट देखिए, इन द बिगिनिंग इन होलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलान एंड वर्सो, पीपल वेलकम्ड द फ्रेंच आर्मीज एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी. सेकंड, पॉलिटिकल फ्रीडम वाज एडवांटेजियस बट मोर टैक्सेस, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज फॉर कॉन्क्यूरिंग रेस्ट ऑफ द यूरोप मेड लोकल पॉपुलेशन hostile to them because it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Third, increased taxation, censorship, forced conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantage of the administrative changes. ये तीन आपके points यहाँ पे. और करके आपका क्वेश्चन एक और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है. डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ द पीस एंट्री इन यूरोप इन द मिड 18th एंड 19th सेंचुरीज. फर्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीस एंट्री. सेकंड, टू द वेस्ट बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. थर्ड, इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय सर्व्स. क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब How communities have conserved and protected forests and wildlife in India. A. In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by setting Wildlife Protection Act. Next, the inhabitants of the 5 villages in the Alwar district have declared 1,200 hectares of the forest as Bhairo Dev, Dhaka, Sonchuri, declaring their own set of rules and regulation disallowing hunting and protecting the wildlife against outside encroachments. C. The Mundas and Santhals of Chota Nagpur region worship Mahua and Kadam tree. 27 question aapka. Explain how improvements in transportation technology made delivery of goods at lower costs faster. First, goods are placed in containers that can be loaded intact onto ships, railways, planes and trucks. Second, containers have led to huge reduction in port handling cost. Third, it has increased the speed with which exports can reach markets. Fourth, the cost of air transport has come down.
Fifth, these containers have enabled greater volume of goods to be transported by airline. Question number 28. What is the position of democracy and non-democracies regarding needs of the people and corruption? First, democracies often frustrate the need of the people and often ignore the demand of the majority of its population. Second, there are tales of corruption which convinces that democracy is not free from this evil. Third, on the other hand, there is nothing to show that non-democratic government are less corrupt or more sensitive to the people. Question number 29. Suggest ways to create more employment avenues in urban areas. First, different states should increase regional craft industry. Second, tourism industry should be promoted. Different sites of historical and cultural importance should be maintained in a better way to attract tourists. According to a study, if tourism sector is improved every year, employment can be given to more than 35 lakh people. Third, the government should make changes in the policies to provide basic facilities, develop infrastructure, and extend loan and technological assistance. According to an estimate of the Planning Commission, nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone if we provide buildings, teachers, and the other staff for the schools for about 200 million children in the school going age group. सेक्शन नंबर डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चे. इसमें क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप. व्हाट वर द मेन डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी इन हिज लेटर डेटेड 31 जनवरी 1930 टू वायसराय इरविन. व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ सोल्ट टैक्स. फर्स्ट, आफ्टर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज गांधी जी वॉज अथोराइज टू स्टार्ट अ मूवमेंट. सेकेंड, बिफोर स्टार्टिंग अ मूवमेंट गांधी जी रोट अ लेटर ऑन 31 जनवरी 1930 स्टेटिंग हिज 11 डिमांड्स विच वर वाइड रेंजिंग टू इंक्लूड ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी. इसके बाद देखिए, द अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट. आपका दो पोर्शन में दिया गया था, ठीक है, तो लेटर में क्या था और सोल्ट मार्च की इंपोर्टेंस. तो अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड बिकॉज सोल्ट वॉज कंज्यूम्ड बाय रिच एज वेल एज बाय पुअर. It was one of the most essential items of the food. Third, the monopoly of the government over its production revealed the most oppressive policy of the British government. Fourth, so to attract each and everyone into the movement, Gandhi ji included abolition of salt tax in the 11 demands. The demands were, however, not accepted by the Viceroy. The ground for the start of civil disobedience movement or salt satyagraha was now ready. Next question, what was the role of urban classes in the non-cooperation movement? How did the non-cooperation movement impact the Indian industries? First, A section mein, kyunki aapke do question diye gaye, to A question aapka first part hai aur B aapka second part hai. In the towns, middle classes participated in the movement in the following ways. First, students left the schools, colleges, headmasters and teachers resigned, lawyers gave up their practice. Second, elections were boycotted except in Madras. Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, foreign clothes were burnt in huge bonfires. Many traders refused to import foreign clothes or trade in foreign goods. B, dekhiye bache, economic effects of non-cooperation movement. First, the import of foreign cloth decreased from 102 crore to 57 crore between 1921 to 1922. Merchants and traders refused to trade in foreign goods. People started wearing only Indian clothes. This led to increased production by the Indian textile mills and handlooms. Question number 31. Describe the factors that are responsible for the various objections against the multi-purpose project. First, failure of the project to achieve their objectives. Second, some dams that were constructed to control floods were responsible for the flood due to sedimentation in the reservoir. Third, generally big dams are not successful in controlling flood at the time of heavy and excessive rainfall because in such cases the release of water from dams has aggravated the flood situation. This has happened in Maharashtra and Gujarat in 2006. The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. Fourth, sedimentation deprived floodplain of silt are natural fertilizers and was responsible for land degradation. Fifth, multi-purpose project
induce earthquake, cause waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. इसी को और करके एक और क्वेश्चन आपका दिया गया बच्चे, how the rain water harvesting carried out in semi-arid region of Rajasthan, explain. तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वॉटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वॉटर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर सच एज डग वेल्स, परकोलेशन पिट्स एंड चेक डैम्स. कैसे इनको वहां पर कैरी किया जाता है, ठीक है. इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johars in the part of the Rajasthan. In Bikaner, Palodi and Badmer, almost all the houses had underground tanks for storing drinking water. 32 question dekhiye, describe the features of Communist Party of India's Marxist CPIN. First, it was founded in 1964. Second, it believes in Marxism, Leninism. It supposed socialism, secularism and democracy and opposes imperialism and communalism. It accepts accepts democratic elections as a usual and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. It enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura especially among the poor factory workers, farmers, agricultural laborers and intelligentsia. Sixth, it is critical of a new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. It was in power in West Bengal without a break for 34 years. Next question dekhiye, describe the features of Bharatiya Janata Party with special reference to its ideals. So first, it was founded in 1918 by reviving the erstwhile Bharatiya Janasangh formed by Shyama Prasad Mukherjee in 1951. It wants to build a strong and modern India by drawing inspirations from India's ancient culture values and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and Antyodaya. Cultural nationalism is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. It wants full territorial and political integration of Jammu Kashmir with India, a uniform civil code for all people irrespective of reason and ban on religion conversions. Question number 33 dekhiye, explain three terms of credit, how these differ in different cases. The terms of credit: first, interest rate; second, collateral and documentation requirement; third, mode of payment. B, the terms of credit were substantial from one credit arrangement to another. Interest rate in the formal sector, banks and cooperatives, is about 9 to 10%, but in informal sector, the money lenders and grain merchants etc. charge much higher interest. Money lenders charge higher rate of interest and exploit the borrower by taking control of the collateral. Banks insist of documentation requirement and collateral, and therefore it becomes difficult for the poor to get loan from the banks. Next dekhiye, why is it necessary that banks and cooperatives increase their lending in rural areas? Answer: it will increase the income of the poor farmers. Second, it will reduce the dependence of rural people on money lenders and traders. The poor rural people will not fall in debt trap because they could borrow on easy terms. It will improve the standard of living of rural people. The improvement in conditions of rural people will help in the overall development of the country, as they will set up small scale industries and grow more crops. सेक्शन ए आपका आ जाता है बच्चे, यहाँ पे देखिए किस चीज का है आपका, केस बेस्ड या वैल्यू बेस्ड है, ठीक है. एक पैसेज आपको दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें देखिए who had controlled Indian trade before 1750. तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया मर्चेंट्स है. who had granted trade concessions to European, तो यहाँ पे इंडियन रूलर्स ने दिया है. बट वर द इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स आपके यहाँ पे दे रखे, ठीक है. ये सेकेंड आपका पैसेज आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की क्वालिटीज आपको लिख देनी है. नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, दो आपके यहाँ पे लगा लो. आंसर में आपका बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल दिया गया है. थर्ड आंसर, व्हाट आर द टू
preconditions for successful working of this industry. So, regular supply of electricity and assured source of raw material at minimum cost. तो पहले passage को read करके उसी में आपको क्या ये most of answer मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे तो आपके chapter based भी, value based भी हो सकते हैं, जो आप own thinking में क्या answer करेंगे. What problem did the Dutch face in Brussels? ठीक है, minority थी वो, इसलिए क्या वहाँ पे उनको problem face करनी पड़ रही थी. What principles was followed by the government of Sri Lanka? तो majoritarianism वहाँ पे वो follow कर रहे थे. Next आपका यहाँ पे आ जाता है third question. Why was Dutch community not able to force its will on the other community? क्यों force नहीं कर पा रही थी? ठीक है, एक तो वहाँ पे power sharing का जो principle था वो follow किया जा रहा था. दूसरा Dutch और French को इक्वली मां पावर जो है स्टेट और सेंटर में डिवाइड कर दी गई थी. मैप देखिए, दो नंबर का आपका किस वैसे आएगा, टू मार्क्स का आपका हिस्ट्री का और थ्री मार्क्स का आपका जियो का. तो हिस्ट्री का यहाँ पे देखिए, द प्लेस वेयर नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 और जलियांवाला बाग जो ट्रेजडी है वो आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ पंजाब में, ये आपका जलियांवाला बाग है. ठीक है, और इसके बाद ये देखिए इसका मैं ये रहा, हाँ जी ए पार्ट आपका ये जो यहाँ पे लोकेट करके आपको दिखाया गया है. तो एक आपका नागपुर महाराष्ट्र में और ऊपर वाला आपका क्या था, अमृतसर. ठीक है, इसके बाद यहाँ के जो पॉइंट आपको दिखाना है, चेन्नई मेजर सीपोर्ट दिखानी है महाराष्ट्र में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको, असम में आपको थर्मल पावर प्लांट, पंजाब में मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट और नरोरा में न्यूक्लियर पावर प्लांट. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे पॉइंट कर दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग. क्लियर, ये पंजाब वाला है. ठीक है, ये यूपी वाला आपका यहाँ पे आपका, हाँ ये रहा. ठीक है, इसके बाद ये महाराष्ट्र वाला ये रहा, इसके बाद ये आपका ठीक है नरोरा वाला. क्लियर, ये हाँ जी चेन्नई वाला आपका यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ चेन्नई वाला, तो ये रहा आपका चेन्नई आपने लोकेट कर दिया. इसके बाद आपका सेकेंड मुंबई वाला आ गया. ठीक है, थर्ड आपका नमरूप आ गया. ठीक है, और उसके बाद आपका हाँ जी फोर्थ ये रहा आपका पंजाब में. ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम और इसके बाद आपका नरोरा यूपी में. ठीक है, यहीं पे आपका सेशन जो है कंप्लीट होता है. ये क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे सेशन के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए. थैंक यू, इसको आप शेयर करें, लिंक को कॉपी पक्का करें और कमेंट में आप बताएं.